क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में लिखकर भी बहुत कुछ आए, आता भी सब कुछ था, लेकिन फिर भी नंबर कट गए? क्यों कटे? सिर्फ एक वजह कि मात्राओं की गलतियां बहुत ज्यादा हो गई। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देख लेना, फॉलो कर लेना, 100% आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, यानी अब की बार ये स्थिति नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, मात्राओं की गलतियां बहुत सीरियस मैटर है, जो कि आपको अब मैं दो तरीके से करवाने वाला हूं। पहला है शॉर्ट फॉर्मूला और एक मेरे पास है लॉन्ग फॉर्मूला। शॉर्ट फॉर्मूला कुछ फायदे के लिए और लॉन्ग फॉर्मूला बड़े फायदे के लिए है, लेकिन मुझे पता है आप में से ज्यादातर शॉर्ट फॉर्मूला अपनाएंगे। शॉर्ट फॉर्मूला इसीलिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, और जब एग्जाम नजदीक होते हैं इसका मतलब समय आपके पास बहुत कम है, तो आप इस स्थिति में होंगे कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक चाहिएगी। और जो लॉन्ग ट्रिक है वो मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताता हूं। देखो बच्चों, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो उ की मात्रा, ई की मात्रा, री की मात्रा, इस तरह की मात्राओं की गलतियों की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है जो मैं आपके ऊपर करूं और आपकी सारी गलतियां दूर हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं, अगर आप वो तीन चीजें फॉलो करोगे तो 100% आप में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, और ये तीनों चीजें आपको एग्जाम तक फॉलो करनी है। देखो, एग्जाम में आपसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों में से ही आपको उत्तर भी लिखने होते हैं। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं कि प्रश्न में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आपको उत्तर में भी लिखने होते हैं, लेकिन आप वहां पर भी गलती कर लेते हो। लेकिन अब की बार आप ये ध्यान रखना कि प्रश्न में से जो शब्द आपने लिए हैं उनको लिखते हुए उत्तर में आप बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, मतलब उसमें गलती ना हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न में मात्राओं की गलती नहीं होती, और प्रश्न में से जो शब्द आप उत्तर में लिखोगे तो कम से कम वहां गलतियों से बच जाओगे। लेकिन बच्चे अक्सर यहां पर भी गलतियां कर देते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। अब जो अगली बात बता रहा हूं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, डिक्टेशन, आप वैसे तो ये कॉमन वर्ड है, डिक्टेशन देना मतलब आपको आपके घर में ही, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, यार दोस्त मित्र कोई भी हो, आस पड़ोसी, जो भी आपको ठीक लगे, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक देनी है या फिर अपनी नोटबुक देनी है। उन्हें सिर्फ ये कहना है कि आज मुझे 20 वर्ड्स बोल, मैं लिखूंगा या लिखूंगी। अब जब आप लिखोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जो अक्सर बच्चे डिक्टेशन में फॉलो नहीं करते, बच्चे वो बात क्या है कि आपको डिक्टेशन बुलवानी है अपने सिलेबस से रिलेटेड। आपका जो सिलेबस है हिंदी का, आप चाहे अपनी हिंदी की बुक दे दीजिए या फिर आपकी जो नोटबुक है, आपने जो क्वेश्चन आंसर लिख रखे होंगे वो वाली चीज दे दीजिए। वहां से अगर आपको वर्ड बोले जाएंगे तो बहुत से वर्ड, अगर हर रोज 20 वर्ड भी बोले जा रहे हैं तो काफी सारे वर्ड हो जाते हैं कुछ दिनों में ही। मान लेते हैं आज आपका पहला दिन है, पहले दिन में आपने 20 वर्ड्स लिखे, लिखने के दौरान आपने कुछ गलतियां भी की होंगी। अब आपको मैच करनी है, यानी अपनी ही राइटिंग खुद ही चेक करनी है, राइटिंग का मतलब मात्राओं की गलती। अब इन 20 वर्ड्स में मान लेते हैं कि आपके 5 वर्ड या 7-8 वर्ड गलत हो गए। अब उन 5-7 वर्डों को आप 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 7-7 8-8 या 10-10 बार 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 लिखेंगे उन 5 शब्दों को। बाकियों को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बाकी की मात्राएं ठीक थी, इसीलिए उनको आप दोहराए ना। बाकी के जो गलत हो गए उनको आप 5-7-8 बार ऐसा बार बार लिखेंगे, 100% उस दिन की गलतियां उसी दिन ही सुधर जाएंगी। अब अगला दिन आता है, अगले दिन भी सेम प्रोसेस, आपको 20 वर्ड लिखने हैं जो किसी और के द्वारा बोले गए हैं। आप जब लिखेंगे तो एक तो आपका फायदा ये होगा कि आपके सिलेबस में से ही बोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वही वर्ड तो आपको लिखने हैं, तो आपके हर रोज 5-5, 7-7 वर्ड ठीक होने लग गए तो एग्जाम तक आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। चलिए अगला और लास्ट फॉर्मूला बताता हूं, तीसरा, डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ सिलेबस। अब ये भी कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। यहां तो आप किसी और के द्वारा बोले गए वर्ड्स को लिख रहे थे, लेकिन यहां पर आपको खुद लिखना है अपने आप ही डिफिकल्ट वर्ड्स को। कैसे, वो भी आपको एक तरीका बताता हूं। जब आप सिलेबस करते हो, कोई भी हिंदी का सिलेबस आप कर रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे बुक में से पढ़ रहे हो या उसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में से देख रहे हो या फिर कहीं से भी आप सिलेबस कर रहे हो, तो हिंदी के वर्ड्स तो लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ते पढ़ते ऐसे बहुत से शब्द आपके दिमाग में आते होंगे कि ये वर्ड थोड़ा मुश्किल आ गया है, यानी आप लिख नहीं पाओगे अगर आपको स्वतंत्र लिखना पड़े, यानी आपको कोई नकल ना करवाए तो आप लिख नहीं पाओगे। तो ऐसे वर्डों को ढूंढना है, आपको सिलेबस तो करना ही है, साथ साथ आपके डिक्टेशन भी साथ साथ हो रही है, मतलब आप अपने आप को ही डिक्टेट कर रहे हो और डिफिकल्ट वर्ड को नोट करते हुए जा रहे हो। डिफिकल्ट वर्ड को आप नोट करते जा रहे हो, अगर एक दिन में 5-7 वर्ड और लिख लिए आपने जो थोड़े मुश्किल थे आपके लिए, तो इस तरह से ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो कर लो ना, तो आपकी इंप्रूवमेंट मुझसे लिखवा के ले लो बहुत ज्यादा मात्रा में होने वाली है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं होती, ये तीन चीजें तो आप फॉलो करोगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं
आपको कुछ बोनस टिप्स भी दे देता हूं जो आप अक्सर गलतियां करते हैं उनके बारे में कुछ बता देता हूं जो आगे से आपको नहीं करनी, उसके बारे में सुन लो थोड़ा। देखो एक तो गलती होती है कि और की में, यानी कि एक छोटी ई और एक बड़ी ई, पर छोटी बड़ी की मात्रा आपको समझ में ही नहीं आती कहां पर कौन सी लगेगी। आइए समझाता हूं। देखो बच्चों उदाहरण के साथ, सीता ने बताया कि वह सुरेश की बहन है। देखो बच्चों अब यहां पर समझो इस बात को कि ये जो छोटी ई वाला की होता है इसे हम किसी भी लाइन के एंड में लिखते हैं, यानी सीता ने बताया, यहां पर लाइन खत्म हो जाती है। अब जो की आएगा यानी किसी भी क्रिया के बाद जो की आता है वो छोटी ई वाला होता है, और इसके बाद जो भी किसी वाक्य के बीच में आ जाता है, यानी जैसे वह सुरेश की, यहां पर जो की आया है कि वो बड़ी ई वाला होगा हमेशा ही, ये ध्यान रखना। कहने का मतलब एक बार फिर से बता देता हूं, जब भी कोई वाक्य खत्म हो रहा है या क्रिया खत्म हो रही है उसके बाद जो की आएगा वो छोटी ई का, और जो वाक्य के बीच में आएगी वो की बड़ी ई वाली होगी। ऐसा ही एक और उदाहरण है, वह कहता है की, यहां पर भी की आया हुआ है, कल की छुट्टी है। देखो यहां पर भी है के बाद की आया, यानी वाक्य खत्म हो रहा है, एक तरह का अधूरा वाक्य है वो मैं मानता हूं, लेकिन क्रिया आ गई, क्रिया के बाद जब भी खत्म होता है, सॉरी क्रिया के बाद जब भी की आती है तो छोटी ई की आती है, और ऐसे ही बीच में जब भी की आती है तो वो बड़ी ई की मात्रा होती है। ये एक जो ऐसी गलती थी जो आप अक्सर कर देते हैं। एक और देखते हैं, और यहां पर और दोनों एक जैसे हैं, बोलने में भी लगभग एक जैसी आवाज आती है, लेकिन इनमें बहुत फर्क है जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। देखो उदाहरण के साथ, राम और श्याम दिल्ली की ओर गए, यानी चल पड़े। देखो अब यहां पर फर्क क्या है, यहां पर जो ओर है दो शब्दों को जोड़ने वाला है, राम और श्याम यहां पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, ऐसी स्थिति में ओर में दो मात्रा आती है। अब आगे क्या लिखा है, देखो दिल्ली की ओर, यहां पर डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन के लिए जो ओर यूज होता है वो होता है एक मात्रा वाला, तो ये ध्यान रखना। एक और उदाहरण देखो, वह और मैं यानी दो शब्दों को जोड़ रहा है इसीलिए दो मात्रा, बाई ओर रहते हैं, यहां पर डायरेक्शन की बात आ गई तो यहां पर ओर के लिए एक मात्रा। एक और देखो, है और हैं, यहां पर ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इन दोनों में फर्क बहुत है, ये होता है सिंगुलर के लिए, ये होता है प्लुरल के लिए, यानी एकवचन और बहुवचन। एकवचन और बहुवचन कैसे, देखो समझो, एक वाक्य है वह हंसता है, अब वह कितने हैं, एकवचन है, एकवचन के लिए है जो आता है वो बिना बिंदु वाला आता है, और ऐसे ही एक और वाक्य है सभी हंसते हैं, अब है जो आ रहा है उसमें बिंदी आ गई तो इसीलिए इसको बोला जाता है हैं, और सभी आ गए यानी बहुवचन हो गया तो सभी हंसते हैं, तो ये फर्क होता है एक जैसे दिखने वाले हैं में। चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं कितना आपने इस वीडियो से सीखा। ये दो वाक्य लिखे हुए हैं, प्रश्न एक और प्रश्न दो, इन दोनों प्रश्नों में कितनी गलतियां हैं, कहां कहां गलतियां हैं एक बार छाट कर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। अब ये तो था शॉर्ट फॉर्मूला जो एग्जाम तक अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी इंप्रूवमेंट काफी हद तक हो जाएगी, लेकिन आप परमानेंट इंप्रूवमेंट चाहते हो यानी बड़ा फायदा चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग फॉर्मूला अपनाना है। वो क्या है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपका जो फायदा होगा वो बहुत बड़ा होगा। वो क्या फॉर्मूला है, देखो अगर आपके एग्जाम नजदीक नहीं है तो आप हर रोज एक या दो पेज आप सुलेख लिखें। सुलेख लिखने का मतलब आपको राइटिंग अच्छी शायद ना भी करनी हो लेकिन जब आप अपनी बुक से या नोटबुक से कुछ लिखोगे तो आपकी जो मात्राओं की गलती है वो काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन जब बस इतना ध्यान रखना कि लिखते हुए मात्राओं का ध्यान जरूर रखना है कि हमें एज इट इज लिखनी है जैसे बुक में लिखी है, और जो आप सुलेख लिखोगे उसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना कि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। इससे एक फायदा ये होगा कि आप सिलेबस भी लिख रहे हैं तो आपको याद भी होता जा रहा है, या याद नहीं भी हो रहा तो कम से कम नॉलेज तो इंप्रूव हो ही रही है, और साथ ही साथ मात्राओं की गलतियां भी सुधर रही हैं। एक बात का ध्यान रखना, आप चाहे एक पेज रोज लिखें या दो पेज रोज लिखें लेकिन लिखना रोज, कोई भी दिन मिस मत करना, या बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो या इमरजेंसी कुछ ऐसी हो जाए तो वो एक अलग बात है, वो आप एक दो दिन छोड़ सकते हो, लेकिन आप ट्राई करना कि कोई भी दिन मिस ना हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लिखें क्या, कहां से लिखें, हमारे पास मटेरियल नहीं है या हमने
अभी थोड़ी देर पहले डिक्टेशन के बारे में बात की थी, तो डिक्टेशन कहां से लाएं और कहां से सही तरीके से लिखा हुआ शब्द मिल जाएगा, किस तरह से लिखें, ये सारी चीजें अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड एक लिंक दिया है, जरूर देख लेना, वहां पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। क्या है ये सब चीज, ये सब आपको मटेरियल ही देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन चाहिए किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको उस पर क्लिक करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके लिए ही आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये आपको लग रहा हो कि हमारा सिलेबस नहीं है तो ये किसी और का सिलेबस है, लेकिन आपकी क्लास से रिलेटेड आपके अलग अलग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे। तो यहां से आप डिफिकल्ट वर्ड, डिक्टेशन और ये जो मैं सुलेख लिखने के लिए दे रहा हूं ये भी आप लिख सकते हैं यहीं से ही। लेकिन अगर आप लॉन्ग फॉर्मूला अपना रहे हैं तो बच्चों आप तो एक काम और भी कर सकते हो, क्या कि मुझे सोशल मीडिया पर वो पेजेस जो आप रोज लिखते हो हर रोज सेंड कर दिया करो। सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, आप चाहे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, जहां पर भी आप चाहें तो मुझे जरूर भेज देना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो इन्हीं सोशल मीडिया पर आप बातचीत भी कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।